आज के समय में साउथ सुपरस्टार प्रभास के चाहने वाले ना सिर्फ साउथ में हैं, बल्कि उन्हें हिंदी ऑडियंस भी खूब पसंद करते हैं। वहीं आजकल वो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सलार को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जहां इस फिल्म को हर तरफ से लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। और रिलीज के सिर्फ 8 दिनों में इस फिल्म ने दुनिया भर से 550 करोड़ का कारोबार कर लिया है। दरअसल अगर बात घरेलू बॉक्स ऑफिस की करे तो 8 दिनों में इस फिल्म ने अपने नाम 317 करोड़ कर लिए हैं, जिसमें हिंदी वर्जन का भी कलेक्शन शामिल है। और जहां सैकनल की एक रिपोर्ट की माने तो सलार हिंदी वर्जन में अब 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। और इसी के साथ प्रभास के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हिंदी वर्जन में सलार के 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है और इसी के साथ प्रभास के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हिंदी वर्जन में सलार के 100 करोड़ क्लब में शामिल होते ही प्रभास के खाते में कुल 5 ऐसी फिल्में हो गई जिन्होंने हिंदी वर्जन में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वही सलार से पहले उनकी और जिन फिल्मों ने ये कारनामा किया था उनमें बाहुबली, बाहुबली 2, आदिपुरुष और साहो शामिल है। और जहां इसी के साथ हिंदी वर्जन में 500 करोड़ क्लब वाली फिल्में देने के बाद प्रभास साउथ सिनेमा के इकलौत ऐसे एक्टर बन गए हैं जिन्होंने हिंदी ऑडियंस के बीच ये कमाल करके दिखाया है। वहीं चाहे रजनीकांत हो, अल्लू अर्जुन हो, रामचरण हो या फिर कोई दूसरा साउथ का सितारा, किसी के नाम भी ये रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन प्रभास ने ये रिकॉर्ड एक बार नहीं बल्कि 5 बार बनाया है। बहरहाल सलार में जबरदस्त एक्शन दिखा है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं और प्रभास का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वहीं इस फिल्म में उनके साथ साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और श्रुति हासन भी शामिल है, जहां फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है जो पहले KGF और KGF 2 जैसी फिल्में बना चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रभास की ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर टोटल कितने करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब हो पाती है।